पोइट्री में ये जो सिलेबल स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको नापने के लिए एक मीटर होता है, उस मीटर को पोएटिक मीटर कहते हैं, जो पोएम्स में उसकी लाइन की रिदम की बीट को नापता है। कुछ पोएम्स में पोएट सिलेबल्स को नापते हैं, जैसे जैपनीज हाइकू में, लेकिन मोस्टली सिलेबल के स्ट्रेसेस को नापा जाता है। अब देखते हैं कि ये पोएटिक रिदम किस तरह काम करता है और इसको किस तरह मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले आता है IMB, इसमें अनस्ट्रेस्ड पहले और बाद में स्ट्रेस होता है। चलो इसको प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को जीरो मानते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेस नहीं होती, खिंचाव नहीं होता, और जो स्ट्रेस होता है उसको वन मानते हैं। तो ये IM हुआ 0-1, क्योंकि पहले आता है अनस्ट्रेस सिलेबल, फिर आता है स्ट्रेस सिलेबल। ये मेरा अपना तरीका है इसको याद रखने का, आई थिंक आई शुड शेयर विद यू ऑल। और दूसरा मीटर होता है ट्रोके, इसमें IM का अपोजिट होता है, स्ट्रेस या लॉन्ग सिलेबल पहले और शॉर्ट या अनस्ट्रेस बाद में। तो इसका कोड हुआ 1-0, क्योंकि जो खींचने वाला सिलेबल है वो पहले आता है और जो शॉर्ट है वो बाद में आता है। नेक्स्ट आता है स्पोंडी, इसमें दोनों सिलेबल लॉन्ग होते हैं, मतलब दोनों स्ट्रेस सिलेबल होते हैं। तो इसका कोड हुआ 1-1, मतलब दोनों सिलेबल को खींचा जाता है। नेक्स्ट आता है एनापेस्ट, इसमें पहले दो शॉर्ट सिलेबल आते हैं, मतलब दो अनस्ट्रेस सिलेबल आते हैं, फिर एक लॉन्ग सिलेबल आता है। तो इसका कोड हुआ 001, क्योंकि पहले दो ऐसे शॉर्ट सिलेबल फिर एक लॉन्ग सिलेबल। शॉर्ट के लिए हमारे पास 0 कोड था और लॉन्ग के लिए 1, तो 001। फिर आता है डैक्टाइल, इसमें पहले दो लॉन्ग सिलेबल आते हैं फिर एक अनस्ट्रेस मतलब शॉर्ट सिलेबल आता है। तो इसका कोड हुआ 100, मीन्स पहले लॉन्ग एक फिर दो शॉर्ट। तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, IM मीन्स 01 शॉर्ट एंड लॉन्ग, ट्रोके 10 लॉन्ग एंड शॉर्ट, स्पोंडी 11 लॉन्ग लॉन्ग, एनापेस्ट 001 मीन्स 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, डक्टाइल 1 लॉन्ग बाद में 2 शॉर्ट मीन्स 100। पोएट्स अपने वर्ड्स को इस तरह अरेंज करते हैं पोएट्री में, जिससे कि उनकी पोएम्स में एक रिदमिक पैटर्न आ जाए। जैसे कि लॉर्ड बायरन अपनी पोएम द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेन्नाचेरीब और व्हाटएवर द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस में एनापेस्टिक रिदम का यूज करते हैं बैटल में हॉर्स राइडिंग का रिदम क्रिएट करने के लिए, लाइक द असारियन कम डाउन लाइक द वोल्फ ऑन द फोल्ड एंड हिज कोहोर्ट्स वर ग्लीमिंग इन द पर्पल एंड द गोल्ड एंड द शीन ऑफ देयर स्पीयर्स वाज लाइक स्टार ऑन द सी व्हेन द ब्लू वेव्स रोल्स नाइटली ऑन डीप गैलीली। आई नो मैंने इसको जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए था, आई होप आप समझ रहे होंगे।